2022 का स्कॉलरशिप का पोर्टल चालू हो चुका है। अगर आपको पोस्ट मैट्रिक या फिर प्री मैट्रिक के लिए ऑनलाइन करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं कि प्री मैट्रिक क्या होता है तो 10th के बिलो 1 से लेकर 10 क्लास तक को हम प्री मैट्रिक बोलते हैं और प्लस 2 से लेकर आगे जो पढ़ते हैं उनको हम पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं। तो दोनों जगह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कैसे आप अपने घर बैठे ही अपना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा एक लिंक पर। इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इसके बाद जब आप यहां पर आ जाएंगे, यहां पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सेंट्रल स्कीम, UGC, AICT स्कीम और स्टेट स्कीम। तो स्कीम वगैरह को आप यहां से ऐसे चेक कर सकते हैं कि कब चालू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। यहाँ से आप गाइडलाइन भी देख सकते हैं और सभी तरह का डिपार्टमेंट यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर सेंट्रल स्कीम वालों के लिए ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जो लोग माइनॉरिटी हैं, हिंदू को छोड़ कर, जैसे कि वो क्रिश्चियन है, तो वो लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर भी है, या फिर अगर आप स्टेट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर उनका यहां पर डिटेल्स में आ जाएगा, देख सकते हैं। आसाम स्टेट के लिए ये है, अपने हिसाब से स्टेट को चूज करके यहां पर देखिए, जैसे कि छत्तीसगढ़ कर लेता हूं, तो इनका छत्तीसगढ़ का यहां पर इस डेट में ख़त्म होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक आईडी बनाना होगा, आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी क्रिएट करने के लिए यहां पर देखिए एक ऑप्शन होगा, एप्लीकेशन कॉर्नर में ही न्यू रजिस्ट्रेशन, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दिया गया है, तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपना स्टेट को यहाँ से डालना होगा। इसके बाद कैटेगरी में प्री मैट्रिक है या फिर पोस्ट मैट्रिक है, यहाँ पर डालेंगे। स्टूडेंट का नेम डालेंगे, स्कीम टाइप में क्लिक करके स्कॉलरशिप स्कीम और इंसेंटिव स्कीम है तो आप यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे कौन है, मेल या फिर फीमेल है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद बैंक का IFSC कोड को यहाँ पर डालेंगे, उसी बैंक का IFSC कोड दोबारा यहाँ पर डालेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल के फिर से यहाँ पर डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स में क्लिक करेंगे और आधार सेलेक्ट करेंगे और नीचे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा, स्टूडेंट एप्लीकेशन ID, आप इसे कॉपी करके रखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू, आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी डालना होगा जो कि अभी आपको मिला है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। इसके बाद ये जो यहाँ पर कैप्चा है यहाँ पर डाल के लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा, OTP डालने के बाद कन्फर्म OTP पर क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग न्यू पासवर्ड सेट करना है, उसी पासवर्ड को कन्फर्म करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपके सामने ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर रिलीजन पर क्लिक करके अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी यानी कि कैटेगरी आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। फादर नेम यहाँ पर डालेंगे, मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। एनुअल फैमिली इनकम कितना है यहाँ पर डालेंगे। डे स्कॉलर है या फिर हॉस्टलर है, अगर आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर हॉस्टलर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो डे स्कॉलर, आप घर में रह के स्कूल जाते हैं तो आप यहाँ पर डे स्कॉलर पर क्लिक करेंगे। एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पर चूज़ योर ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना स्टेट को चूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करेंगे, इसके बाद यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। जैसे आपका आ जाएगा, आप अपने हिसाब से जो भी स्कूल में या फिर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्कूल या फिर कॉलेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट एडमिशन जो भी नंबर होगा यहाँ पर डालेंगे। एडमिशन ईयर, कौन सा ईयर में आपने एडमिशन किया है यहाँ पर डालेंगे। रोल नंबर डालेंगे, आपका कॉलेज या फिर स्कूल का सेक्शन डालेंगे। प्रेजेंट क्लास कोर्स, अभी आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर क्लिक करके डालेंगे। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, इस साल में कब आप क्लास स्टार्ट किए थे यहाँ पर डालेंगे। मोड ऑफ स्टडी में क्लिक करके रेगुलर है या फिर फुल टाइम है यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो पार्ट टाइम है तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। साथ ही आपको डिस्टेंस का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट एग्जामिनेशन पास्ट, लास्ट ईयर आप जो कोर्स कर रहे थे तो उसमें आप कितना पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो लास्ट पढ़ाई किए थे वो कितना ईयर का था, कौन सा ईयर का था यहाँ पर डालेंगे। लास्ट जो ईयर आपने पढ़ाई किया था कितना आपका परसेंटेज आया यहाँ पर लिखेंगे।
क्या आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं और क्वालिफाइड हुए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एग्ज़ाम कंडक्ट बाय, यानी कि जो भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे उसको एग्ज़ाम कौन कंडक्ट किया था, उसका रोल नंबर क्या था, उसका ईयर क्या था, कौन सा ईयर में आपने एग्ज़ाम दिए थे, यहाँ पर डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अदर डिटेल्स में क्या आप अनाथ हैं, अगर अनाथ हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। गार्जियन नेम में फादर नेम डालेंगे। डिजेबल हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। और डिजेबिलिटी टाइप क्या है, आपको दिक्कत मतलब कि आपका बॉडी में क्या खराबी है, यहाँ पर मेंटल इलनेस है, आपका पैर कट गया या फिर आपके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, आँखों का, नाकों का, सर का, पेट का, सब कुछ यहाँ पर है, तो अपने हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। और कितना परसेंटेज आपका डिजेबल है यहाँ पर डालेंगे। लेकिन अगर आप डिजेबल नहीं हैं, हैंडीकैप नहीं है, तो यहाँ पर नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस में यहाँ पर आप डालेंगे मैरिड या फिर अनमैरिड या फिर डिवोर्स भी है और विडो भी है। पेरेंट्स प्रोफेशन, आपका पेरेंट्स क्या काम करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने अगला स्टेप यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पर अपना स्टेट को यहाँ से चूज़ करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज़ करके आपका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे कि आप रूरल में रहते हैं, गांव एरिया में रहते हैं तो रूरल पर क्लिक करके रखेंगे, और शहर एरिया में रहते हैं तो अर्बन पर क्लिक करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम रूरल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। इसके बाद विलेज को आप यहाँ से इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। हाउस नंबर और पिन कोड को आपको देना है। For your submitted information, there is no scheme available. मैंने अपना जो डिटेल्स दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहता था, तो यहाँ पर कोई भी स्कीम में ये नाम नहीं आया कि एक भी स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं शो हो रहा। अगर आप सही डिटेल्स देंगे तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4 करके आपको स्कीम वगैरह सब कुछ शो करेगा। तो आपको बस यहाँ पर एक ही काम करना है, यहाँ पर आपको जो नाम दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने माइनॉरिटी के लिए अप्लाई किया था, तो माइनॉरिटी का आ जाएगा तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एसटी पर क्लिक करेंगे, ओबीसी के लिए करना चाहते हैं तो ओबीसी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट आ जाएगा आप यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा, 8-10 डॉक्यूमेंट आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक गौर देने वाली बात ये है कि अगर जो पढ़ाई आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसमें अगर आप 50,000 से लेकर ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है सिर्फ फोटो वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपीज़ से कम देते हैं, यानी कि कम खर्चा होता है, तो यहाँ पर बताया गया है अगर आपका कम खर्च हो रहा है तो नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, सबमिट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। मतलब कि जैसे आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फाइनल पेज आ जाएगा, उसे प्रिंट आउट कर लेंगे तो उसको ही लगेगा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, और आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 50,000 रुपीज़ देते हैं या फिर ज़्यादा से पे कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिखाई देगा उसको आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपका जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कुछ CLC, SLC ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया है जो कि आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको जैसे इसका आगे का स्टेप होगा सिर्फ प्रिंट आउट का, तो अगर आप वहाँ पर नहीं भी जा पाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट योर एप्लीकेशन पर क्लिक करके भी आपका पेज को, यानी कि फाइनल पेज को प्रिंट आउट कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा, उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कि प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद उसका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, आपका आधार कार्ड, आपका एजुकेशनल डिटेल्स, और जो आपको एक प्रिंट आउट निकलने के बाद लास्ट में 2-3 कॉलम में आएगा कि आपको क्या क्या सबमिट करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, उसको ले जाके जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं अभी करेंट में, वहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट में जमा करना होगा। उसके बाद अगर आपका एंटर्ड किया इन्फॉर्मेशन सही होगा तो आपको स्कॉलरशिप के लिए आपके अकाउंट में ही डिपॉजिट हो जाएगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हैं।